हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम माला जाप करने के नियम जानेंगे। जप करने से हमारे अंदर सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति जागती है, जिससे पूजा में होने वाली अनुभूति को अधिक निकटता से अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर की अनुभूति के निकट पहुंचने के लिए सभी धार्मिक संप्रदायों में जप का तरीका अपनाया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने जप को काफी महत्व दिया है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार एकाग्र होकर प्रभु नाम का जाप करने से उनके रूप के दर्शन और साक्षात्कार होते हैं। रामायण में कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जप के प्रभाव सिद्ध पाए गए हैं। सामान्यतः कठिन परिस्थितियों में हम अचानक भगवान का नाम लेने लगते हैं, जिससे हमें कुछ शक्ति आती है, कुछ राहत मिलती है, एक अनजानी सुरक्षा की भावना हमारे अंदर आती है। जब अचानक शुरू हुए जप का इतना प्रभाव होता है तो नियमित जप की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। मंत्र का जप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में त्रुटि ना हो। माला के प्रयोग की कुछ सावधानियां भी हैं, जिनका पालन करने से मंत्र जाप का पूर्ण लाभ मिलता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माला जाप करने के नियम। माला कार्य अनुसार तुलसी, बैजंती, रुद्राक्ष, कमलगट्टे, स्फटिक, पुत्रजीवा, अकीक, रत्नादि किसी की भी हो सकती है। अलग अलग कार्य सिद्धियों के अनुसार ही इन मालाओं का चयन होता है। तारक मंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ माला तुलसी की मानी जाती है। माला के 108 मन के हमारे हृदय में स्थित 108 नाड़ियों के प्रतीक स्वरूप हैं। माला का 109वां मन का सुमेरु कहलाता है। जप करने वाले व्यक्ति को एक बार में 108 जाप पूरे करने चाहिए। इसके बाद सुमेरु से माला पलटकर पुनः जाप आरंभ करना चाहिए। किसी भी स्थिति में माला का सुमेरु लांघना नहीं चाहिए। माला को अंगूठे और अनामिका उंगली से दबाकर रखना चाहिए और मध्यम उंगली से एक मंत्र जपकर एक दाना हथेली के अंदर खींच लेना चाहिए। तर्जनी उंगली से माला का छूना वर्जित माना गया है। मानसिक रूप से पवित्र होने के बाद किसी भी सरल मुद्रा में बैठें, जिससे कि वक्ष, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में रहे। मंत्र जप पूरा करने के बाद अंत में माला का सुमेरु माथे से छुआ कर माला को किसी पवित्र स्थान में रख देना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करते समय यथासंभव माला दूसरों को ना दिखाएं। जाप करते समय माला को गोमुखी में रखें। जाप करते समय माला को जल्दी जल्दी न फेरें, बल्कि शांति से और आराम से माला को फेरें। जप करते समय हिलना, डुलना, बोलना, क्रोध न करना, मन में कोई गलत विचार या भावना ना बनाए, अन्यथा जप करने का कोई फल नहीं मिलता। लोगों के बीच में अपने मंत्र जप की संख्या का प्रचार नहीं करें। किसी को भी अपना मंत्र ना बताएं। दिन में कम से कम एक माला जाप का नियम जरूर बनाएं। अधिक से अधिक कितनी भी माला जाप कर सकते हैं। कुछ मंत्रों का जाप किसी भी अवस्था अर्थात चलते फिरते समय किया जा सकता है, परंतु कुछ मंत्रों का जाप बैठकर ही किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जाप की माला अलग रखनी चाहिए। माला के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें और उसको स्वच्छ रखें। माला घुमाते समय शरीर के निचले हिस्सों से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। नीचे कोई कपड़ा रखें। माला को जाप के उपरांत कपड़े से ढककर शुद्ध स्थान पर प्रणाम करते हुए रखें। यदि जाप के मध्य उठना किसी भी कारणवश आवश्यक हो जाता है तो प्रणाम करते हुए उठें और दोबारा बैठने का संकल्प लेते हुए आसन से उठें। जाप करते समय मंत्र के इष्ट के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर जाप करें। जप संख्या पूर्ण होने के पश्चात नेत्र बंद कर कुछ समय ध्यान अवश्य करें, फिर प्रणाम करके उठ जाएं। जाप के पश्चात व्यर्थ की बातें ना करें। शयन के समय अपने इष्ट के मंत्र का मानसिक जाप अवश्य करें। ऐसा माना जाता है हमें हर समय नाम जाप करना चाहिए, इसलिए अशुद्ध अवस्था या महावारी में
माला पर नाम जाप न करके उंगलियां या काउंटर पर जाप करना चाहिए। नाम जाप करते समय हमारे सामने क्या परेशानी आती है? किसी भी जाप के समय हमारा मन हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है और निरंतर तरह तरह के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। यही मन का स्वभाव है और वो हमें इसी सब बातों में उलझाए रखेगा। तो सबसे पहले हमें मन से उलझना नहीं है, बस देखते जाना है। न विरोध न समर्थन, आप निरंतर नाम जाप करते जाइए। बार बार भटकेंगे, बार बार वापस आएंगे, ये सभी के साथ होता है, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए हमें माला से बहुत मदद मिलती है। मन हमें कहीं भटकाता है, मगर यदि माला चलती रहेगी तो हम वापस वहीं आ जाएंगे। सारी चीज़ें अभ्यास से आती हैं। जब हम शुरू में नाम जाप करना शुरू करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हम ज़्यादा नहीं कर पाते, बट धीरे धीरे अभ्यास करने से हम अपने नाम जाप करने की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उसे अच्छे से याद करें और जब भी आपके पास समय हो तभी अंदर ही अंदर मानसिक जप शुरू कर दें। आप आसन पर नियम से जो जप करते हैं उसे करते रहें उसी प्रकार। बस थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास करने से हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं उससे हमारा मन बंधेगा। कई सारे लोग कहेंगे कि हमें समय नहीं मिलता, ये भी हमारे मन का छलावा है। हमारा मन हमें कुछ करने ही नहीं देना चाहता। जब भी समय मिले, चाहे थोड़ा सा समय मिले, मन ही मन जाप जरूर करें। गिनकर जरूरी नहीं कि माला पूरी करें, मन के अंदर नाम जाप करते रहें। बस यही नियम, और धीरे धीरे आप दूसरे कम ध्यान वाले कार्यों को करते हुए भी जप करते रहेंगे, निरंतर उस जप में डूबते जाएंगे। घर के काम करते समय, ऑफिस का काम करते समय आपके मन उस जप को बोलता जाएगा, वो नाम जाप करता जाएगा। बस ये आता है हमें थोड़ा सा अभ्यास से। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो अपने सभी कर्म अपने इष्ट को समर्पित करें, अपने भगवान को समर्पित करें, अपने आप को उन्हें समर्पित कर दें और मन ही मन जप शुरू कर दें। धीरे धीरे जप करते हुए सो जाएं। शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, मन चंचल है, वो आपको और चीज़ें सोचने पे मजबूर करेगा, मगर बस थोड़ा सा प्रयास करना है। इससे होगा क्या, जब आप जप करते हुए सो जाएंगे तो आपका शरीर तो सो जाएगा मगर आपका सूक्ष्म शरीर जप करता रहेगा, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और साधना भी चलती रहेगी। जैसे ही सुबह आपकी आंखें खुले, अपने इष्ट का ध्यान करें, विनती करें, प्रभु आज मुझसे कोई गलत काम ना हो, अगर कोई ऐसी परेशानी आ भी जाती है तो प्लीज़ आप मुझे सचेत कर देना, मुझे मार्ग दिखाना, और उसके बाद वही मानसिक जाप शुरू करें। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अंदर ही अंदर मानसिक जाप आपका होना चाहिए, यही अभ्यास का सबसे अच्छा तरीका है। सभी और नित्य कार्यों को करते हुए इसे निरंतर रखें। एक समय ऐसा आएगा जब आप कोई गलत निर्णय लेंगे, आपके भीतर से अपने आप आवाज़ आएगी। धीरे धीरे आप अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे और धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे। मगर ये सब एक दिन एक महीने में नहीं होगा, इसके लिए बहुत प्रयास करना होता है। बस चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, तभी मंजिल आएगी, तभी आप अपने प्रभु को पा सकेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब मैंने अपने जीवन में खुद प्रयोग किया है, पूरी तरह से जांचा परखा है। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मगर प्लीज़ पूछ कर सिर्फ रुक मत जाइए, आगे बढ़िए। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है, प्रभु को पाने के लिए हमारा रास्ता बहुत लंबा है, हम सबको इसे साथ मिलकर चलना है। सभी आगे बढ़ें, अपने स्वरूप को जानें, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।